भगवान गीता में कहते हैं नैनम छिंदन्ति सप्राणि नैनम जानति पावकम्। ये आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता, ये आत्मा को कोई बांट नहीं सकता है, वो आत्मा को कोई काट नहीं सकता है, क्यों? ये आत्मा अजर अमर है। जैसे कि आत्मा को तो हम शरीर छोड़ देते हैं तो मर जाते, तो शरीर तो चला जाता है, तो आत्मा का अंदर जैसे कि भानसांसी दिना में जथा विहाय नवाणी गृहणती नरो पुराणी शरीराणि विहाय तथा शरीराणि विहाय जिना नन्नाने संघाति नवाणी दे। कि जैसे कहते हैं कि भानसांसी दिना में जथा विहाय, जैसे हम वस्त्र धारण करते हैं शरीर में, वस्त्र जब फट जाता है, पुराना हो जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं? त्याग देते हैं। ऐसे ही तो हमारे शरीर में 64 बीमारियां है, तो 64 बीमार होने के बाबत, तो जब हमारा एक करके जब बीमारी आ जाता है, तो बीमारी आने के बाद तो कोई भी अंग प्रत्यंग हमारा अखिल हमारा काम नहीं करता है, तब ये आत्मा क्या करता है? ये शरीर को छोड़ने के लिए तत्पर हो जाता है। जब ये आत्मा शरीर को छोड़ के चला जाता है, तब क्या होता है? हमारा मृत्यु हो जाता है। हमारा शरीर जब तक शरीर में आत्मा है, तब तक हमारा जीवित है, शरीर भी जीवित है। जब ये आत्मा छोड़ कर चला जाता है, शरीर मृत्यु हो जाता है। लेकिन हमारा मृत्यु नहीं हुआ, शरीर का मृत्यु हुआ। लेकिन आत्मा क्या करता है? फिर जाकर ये दूसरा शरीर धारण करता है। तो इसीलिए हमें शरीर मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, तो मनुष्य शरीर में ही हमें भगवान को पाने के लिए स्तर है। अरे मनुष्य शरीर में भगवान को भजन नहीं करेंगे तो हमें कोई जन्म में भजन नहीं कर पाएंगे, फिर हमको ऐसे अनंत कोटि जन्म बीत जाएगा। तो इसी मनुष्य जन्म मिला क्यों है? केवल भगवान के भजन करने के लिए। तो इसी मनुष्य शरीर से, मनुष्य शरीर जब तक है तब तक हमें भगवान के भजन करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। अगर इस जन्म में हम भगवान को नहीं पाए तो फिर हमें क्या फर्क होगा ना? अगला जन्म में हमारा संस्कार बन जाएगा। इस जन्म में हमको संस्कार बनानी है, जैसे भी हो भगवान के भजन करना ही है, भजन छोड़ना नहीं है। इतना भी दुख आए, एक बार में पूरी से वृंदावन सफर कर रहा था ट्रेन में, तो माता जी मेरे बाजू में मेरे बगल में बैठी थी, उसने पूछे उसको क्या करते हो? माला में करता था, तो उसने बोले क्या करते हो? बोला हरि नाम, भगवान का नाम जप करता हूँ। तो उसने बोले जप करने से क्या होता है? तो बोले से जप करने से उसको समझाया भगवान के हमारा रिश्ता क्या है इसका। तो बोलता है मैं भी ऐसे जप करता था लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ, मेरा पति का मौत हो गया, फिर अभी मेरे को पैरालिसिस बीमार पकड़ लिया, फिर मेरा परिवार का बीमार होता है। तो उसको मैं समझाया कि ये हमारा दो तरीका, एक पाप होता है क्या, एक प्रारब्ध है, एक अप्रारब्ध। तो प्रारब्ध क्या होता है ना? प्रारब्ध मतलब जो हमारा पूर्व जन्म में जो पाप किया हुआ था, तो जो संचय था इसी जन्म में जो भोग होता है, भोग मतलब क्या, जब बीमारी आ जाता है तो उसको भोग कहते हैं, मतलब पाप का भोग। तो इस पाप का फल हमको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि पाप का फल कोई भोगेगा नहीं। पुण्य हो सकता है तो आपका पुण्य में कितना सारे भाग्य हो सकते हैं, तो आपके आपके पुण्य में आपके पत्नी भाग हो सकता है, अपने पुत्र भाग हो सकता है, अपने पिता माता भाग हो सकते हैं, लेकिन पाप में कोई भाग नहीं है। पाप अपना अपना पाप आप ही आपको ही भोगना पड़ेगा। तो मैंने उसको बताया था, आप लोग तो सब सुने होंगे, मैंने इनको दशरथनाथ का कहानी सुनाया था। तो यहाँ पे पाप का भागीदार कोई नहीं होता है, पाप अपना पाप आपको कोई भोगना पड़ेगा। जब तक पाप नहीं भोगोगे तब तक आपका ये पाप बीमार आता रहेगा, बीमार आता रहेगा। तो इस जन्म में हम क्या करेंगे? इस जन्म में हमको बीमार आया, भगवान का नाम जप करते, मंदिर जाते, रोज पूजा पाठ करते, और बीमारी आता है, दुख आता है, तो हम क्या करते? भगवान का भजन करना ही छोड़ देते, मंदिर जाना छोड़ देते, पूजा पाठ करना छोड़ देते। लेकिन ये गलत होता है, क्यों? अगर हम ये सब करना छोड़ देंगे तो भव ए जन्म में अप्रारब्ध, मतलब ए जन्म में जो हमारा जो संचय है, हमें समझ लो बैंक में एक रुपया रखा है, तो बैंक में तो एक रुपया रखा है ना, तो ये बढ़ता जाएगा। जैसे एक रुपया रखे तो ये ब्याज उसका बढ़ता 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 कितना, एक रुपया से 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपया हो जाता है। ऐसे ही हमारा ए जन्म में
अगर आप भगवान का पूजा पाठ भरी भजन करना छोड़ देंगे तो हमको क्या होगा, हमारा पाप भी बढ़ता जाएगा। तो जन्म का पाप तो था, फिर ये जन्म में पाप तो मिश्रण हो जाएगा, दोनों पाप मिश्रण हो जाने के बाद क्या होगा, दो गुना बढ़ जाएगा। तो ज्यादा बढ़ जाने फिर अगला जन्म पे हमको ज्यादा दुख पड़ेगा। इसके लिए ये जन्म में हमको हरि भजन करना क्यों है ना, पूर्व जन्म का जो दुख है पाप है वो पाप को खंडन हो जाएगा, फिर ये जन्म में हमारा संस्कार बन जाएगा अगला जन्म के लिए भगवान को पाने के लिए। जन्म से ही हमारा भगवान भजन शुरू हो जाएगा भगवान को पाने के लिए। तो ये जन्म में नहीं पा सकते, अगला जन्म में पा सकते तो इसे तो करोड़ों करोड़ों जन्म बीत जाता है। जब कहते हैं ब्रह्मा जी का करोड़ों वर्ष बीत गया फिर भी वो भगवान को नहीं पाए, चतुर्था मूर्ति क्षीरोदशा विष्णु को दर्शन किए लेकिन भगवान को नहीं पाए। तो हमें एक दो साल पाँच साल भजन नहीं कर किया होगा तो बोलेगा हमें यार भगवान कुछ फायदा नहीं है, इतना दिन से मैं भजन करता कुछ लाभ नहीं होता है, दुख ही दुख आता है। तो हम क्या करते हैं भजन करना छोड़ देते हैं, ये गलत बात है। हमारा पूर्व जन्म का पाप का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो पूर्व जन्म पाप का फल समझ लो कि हमारा हाथ कटना था, तो हाथ कटना था तो भगवान हमारे उधर हाथ नहीं कटते वो तो अंगुली कटा देते, समझ लो भजन के प्रभाव से हमारा बहुत बड़ा दुर्घटना था वो तो दुर्घटना कम गया। अगर हम भजन नहीं करते होते तो हमारा दुर्घटना हाथ कटना तो हाथ ही कटना कटने वाला था या सिर भी कट जाएगा ऐसे हो सकता है, लेकिन हम भजन करना छोड़ना नहीं है। इसलिए भगवान के इसलिए सर्वश्रेष्ठ होता है कौन, न बहु जन्म नामत ज्ञानवान मां प्रपद्यत वासुदेव सर्वमेति सर्वमात्म सुदुर्लभ, कि बहुत जन्मों के बाद हमें बहुत कितना जन्मों के बाद कोई कोई ज्ञानवान मतलब ज्ञानवान और समझ जाता है कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है, तो इनके नाम को जाप करके हम इस संसार से पार हो सकते हैं। बस इस भगवान के कृष्ण भगवान के नाम को जाप करो, महामंत्र को जो महामंत्र द्वादृश अक्षर महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, इस मंत्र महामंत्र को जाप करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस कलयुग में केवल नाम ही श्रेष्ठ है। इतना कहकर मैं अपने मन को विराम देता हूँ। जय भागवत तत्व करो, भागवत तत्व तब भागवत तत्व श्लोक मुख से रचे ना कि श्लोक किसी के भागवत तत्व पर यदि कौन से भागवत भागवत तत्व पर कहो तो तुम लोग सबसे सब तैयारी करना, तुम तैयार किया भागवत उस श्लोक का पता है ना, तपन सब 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 थोड़ा थोड़ा सब बोलना, आज सब तीनों भागवत तत्व पर बोलना, कल जो महात्म का जो श्लोक है जो जो पद्म पुराण स्कंद पुराण का जो श्लोक महात्म है केवल कथा तो जानते हो, केवल उसको श्लोक कल हम सुने केवल श्लोक और उसको अच्छे तरह से बोलना थोड़ी श्लोक और कथा कथा को सब जानते हो, धुंधुकारी गोकर्ण कथा सब जानते हो धुंधुकारी केवल उसको श्लोक को बोल तुम तैयार किया था वो धुंधुकारी गोकर्ण का कथा तो सब जानते हो, लेकिन कोशिश करना बीच बीच में कोई एक भी श्लोक याद करने ज़्यादा श्लोक की जरूरत बहुत कम श्लोक कम लोग कथा 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 विष्णुपादाष्टोत्तर शिष्य स्वामी तिरुदाचलो वदन महाराज जी।
अच्छे तरह से सुनना, बहुत अच्छे तरह से मतलब थोड़ी 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 हिंट सर्वप्रथम होता थे इस जगत में ये भागवतम का क्या प्रयोजन पड़ा, तो इसके पहले बताते कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान दिवेश कौरव नष्ट पुरुषामेश पुराणा को अधनोदिता। लेकिन भागवत की जो रचना किस समय हुआ, लेकिन इसका जो रचयिता इसके व्यासदेव गोस्वामी पाद ने जब अष्टादश पुराण को रचना किए उससे पहले वेद तो एक ही था, उसको चार भाग में विभक्त किए, उसके बाद भी उनका मन को तृप्ति नहीं मिला, शांति नहीं मिला, तो उसी समय में इसलिए उनके जो गुरु महाराज नारद मुनि के आज्ञा क्रम से ये क्या करते हैं नश्वंत भागवत में विशेष रूप में भगवान की बाल्यकाल की लीला और अन्य अन्य सारे सारे अवतारों के बारे में वर्णन करते हैं, इसके द्वारा उनका मन अत्यंत प्रसन्न होता है। तो जो वही कृष्णचंद्र भगवान इस जगत को छोड़ के गए अपने सारी सारी पार्श्वती के साथ और कौरव नष्ट पुरुषामेश इस कलयुग में क्या हुआ, सारी सारी जीव का जो एक अज्ञान रूपी अंधकार छा गया, तो ठीक उसी अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए बल्कि पुराण अर्क अधन अर्क मतलब होता है सूर्य और पुराण अर्क मतलब पुराण सूर्य की उदय क्या बल्कि भागवत ये भागवत पुराण अर्क क्यों कहा गया है, बल्कि वेद जो था उसको पढ़ाई पढ़ने के लिए अध्ययन करने के लिए इसमें सारे सारे शूद्रों का नारियों का इसमें अधिकार नहीं है, इसी कारण के लिए सारी सारी जीव के कल्याण के लिए ये भागवतम ही इस प्रकार बल्कि निगम कल्पतरु गलितम फलम सुखमुखाद द्रव संयुतम पीबतम भागवत रसमाल मोहर रसिक भाग बल्कि उसी वेद का ही परिप्रक जो फल है ये क्या है नैसिमंद भागवतम। बल्कि जिस प्रकार एक आम की वृक्ष है उसका फल क्या जिस प्रकार मधुर होता है उसी प्रकार उसका पत्ता टहनिया उसका मूल जड़ इत्यादि इतना क्या होते हैं ना उसी प्रकार रसिल नहीं होते, यद्यपि वेद से उत्पन्न हुए हैं और फिर भी भागवत की जो महिमा है उसका जो महत्व है ये विशेष रूप में अलग है, इसलिए बताए कि निगम वेद क्या एक वेद रूपी कल्पर वृक्ष का एक गलितम फल और ये फल ऐसा तैसा मतलब अपरिपक्व अवस्था में गिर गया नहीं, ये तो अच्छे से पक के गिरा इसलिए रस अत्यंत मधुर है, बोले अच्छा वेद रूपी कल्प वृक्ष से पक के पड़ा है इसलिए उसका मीठा मतलब अत्यंत मीठा है, बोले कि ऐसा तो नहीं सारी सारी वृक्ष की फल मीठा होता है, ऐसा कुछ भी वृक्ष है जिसका फल भी कड़वा होता है या खाने सकते, तो बोले कि ऐसा नहीं, बोले कि निगम कल्पतरु गलितम फल तो गलितम फल फिर क्या ना सुख मुखाद मतलब जो शुद्ध सुख पक्षी के द्वारा ये क्या है ना सुखदेव गोस्वामी के द्वारा ये क्या ना उनके द्वारा ही ये क्या ना वर्णित है, तो बोले उसमें क्या प्रयोजन, बोले जो सुख पक्षी होता है उनका क्या स्वभाव होता है वो कभी जो खट्टा फल में कभी मुख नहीं लगाता है, जो जो चीजें मीठा फल में ही अपने चंचू का लगाता है, ठीक है, इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी के द्वारा ये वर्णन करने के कारण ये अत्यंत मीठा है और सुख पक्षी का मुख लगने से फल की जो मधुरता है ये अपने आप ही क्या होता है ना वर्धित हो जाते हैं, इसीलिए एक तो पका हुआ फल है फिर सुखदेव गोस्वामी पाद के द्वारा भी ये क्या हुआ ना कहा गया है, इसलिए उसका जो महत्व अत्यंत वृद्धि है, ये बोलने क्या ना पीवत भागवत रस मार रहे हो कि जो भागवत रस है उसको क्या करना चाहिए ना पीना चाहिए, बोले कहा ना करने में और इसका जो स्वरूप है बोले इसमें कुछ वर्ज्य वस्तु नहीं है, श्रीमद भागवतम पुराण अमरम यद वैष्णवानंद प्रिय, बोले कि श्रीमद भागवतम ये क्या है ना पुराण अमरम, कल हम आलोचना करें तो अमल पुराण क्यों कहा गया, एक होता है मल, मल मतलब साधारण रूप में हम समझते कि वर्ज्य वस्तु ठीक है, मगर एक है मल एक है अमल एक है निर्मल,
अमर मतलब अमतलब नास्तिवाचक शब्द, अमर मतलब नास्ति मल अस्मात, मतलब जिसमें पहले से ही मल नहीं है, और निर्मल मतलब क्या, ना निर्गत मल अस्मात, अर्थात पहले मल था, अभी किसी प्रकार से या किसी प्रोसेसिंग के द्वारा किसी उपाय से उसको क्या किया गया है, ना निकल दिया गया है। और इधर जो भागवतम कहा गया बल्कि अमल पुराण, इसमें पहले से कुछ मल मतलब इधर धर्मार्थ काम मोक्ष के बारे में इधर कुछ भी वर्णन नहीं है, ये शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाले हैं। इसलिए पीवत भागवत रस मारो, कि जो भागवत के रस को या क्या करना चाहिए, ना पीना चाहिए, ना कैसे, ना मुहूर्त बार 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 बार, और किसी का रसिका विभाग हो, जो रसिक भक्त है उनसे क्या, रसिक भक्त ही उनका केवल पान करते, बोले कब तक पान करे, बोले आलय, आलय मतलब एक अर्थ में ये होता है कि जो भागवत में रसम के आलय है, रस की गंता करे, मतलब रस की भंडार है। मगर श्री गुरुदेव इसके जब डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें क्या बताते हैं, आ मतलब तक, लय मतलब मृत्यु, आलय मतलब मृत्यु तक उसको क्या करना चाहिए, पान करना चाहिए। मतलब इसमें बताते हैं कि भागवत रस को पान करने के लिए पान निरोचिन रूप में करना चाहिए, क्योंकि इस भागवत में ना कोई प्रकार किसी प्रकार की ज्ञान कर्म इत्यादि की शंका है, या किसी प्रकार का दूसरे दूसरे जो कई तरह धर्म है उसमें इसका संभावना ही नहीं, इस कारण के लिए इस भागवत धर्म भागवत को मुहर मुहर रसिक भाव भाव का, अर्थात जो भाव को भक्त रसिक भक्त उनको बार 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 मृत्यु पर्यंत ही क्या करना चाहिए, ना पान करना चाहिए। तो जो श्रीमद भागवतम कहा गया ये क्या है, ना भगवान की पांडुमय स्वरूप, अर्थात भगवान के अनेक अनेक स्वरूप है, शरीर दारुमय लेना लेता जो शोभति मनोमय मणिमय प्रतिमा अष्टविधा स्मृता, तो इसमें बताया गया कि भगवान के जो विग्रह आठ प्रकार के हो सकता है, और ये जो भागवतम है मतलब ये जो भगवान की बांगमय स्वरूप, मतलब ये भगवान की शाप्ति का रूप है, इसलिए कहा गया इनका जो द्वादश स्कंद है, ये द्वादश स्कंद भगवान की द्वादश अंग के साथ उसको तुलना किया गया है। इसलिए बताते हैं आदो यदियो प्रथम द्वितीय तृतीय त्रयो कथित यदियो नाभिस तथा पंचमेव श्रेष्ठो भुजान्तरं दो जुगलं तथान्यो मुखारविन्दं दशमं प्रफलं कंठस्थ राज नवमं यद्यो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लं एकादशस्य ललाटपटं शिरोऽपि तु द्वादशेव भाति। तो इसमें बताते ये जो भगवान की पहले पादौ यद्यो प्रथम द्वितीयो, ये जो भगवान की दो चरण कमल के साथ ये भागवत का दो पहला एवं द्वितीय स्कंद की तुलना किया गया है, पादोजति प्रथम तृतीय तृतीय प्रतिरोध तृतीय और चतुर्थ ये क्या है, न जानो प्रदेश। फिर नाभि तथा पंचम, नाभि क्या है, ना पंचम स्कंद है। भुजांतरम, भुज की अंतर, मतलब दो भुज के अंतर बीच में जो वक्ष स्थल है ये है वह षष्ठ। फिर दुर्जुगल, दो भुज क्या है, ना सप्तम और अष्टम। कंठस्थ राज नवम यदि, ये जो कंठ प्रदेश है ये भागवत का नवम स्कंद के साथ उसको तुलना किया गया है। मुखारविंदम दशम प्रभुर, ये दशम स्कंद को भगवान के मुखारविंद के साथ तुलना किया गया है। मुखारविंद के साथ क्यों तुलना किया गया है, अब विशेष रूप में जो ब्रज लीला है, ब्रज लीला की अत्यंत जो माधुर्यमय जो रस की जो परागष्ट विशेष रूप में रास ये दशम स्कंद में ही होने के कारण ये मुख को दशम स्कंद कहा गया। जिस प्रकार व्यक्ति की पहचान हम किस प्रकार नाम का मुख के दर्शन करके ही बोलते हैं, तो इसलिए जो दशम स्कंद में भगवान की अत्यंत माधुरी माधुरी लीला ही वर्णन है, इसलिए मुखारविंद को दशम कहा गया। और एक भी कारण इसमें है, बोलते हैं जगदेव श्री परीक्षित महाराज की उत्कंठा था कि कृष्ण लीला श्रवण करने के लिए, और कृष्ण लीला तो केवल केवल दशम स्कंद में, उससे पहले तो वो क्या शारीरिक से अवतार और शारीरिक अन्य शारीरिक जो अवतार है उसके बारे में श्रवण कराए। अगर जब ये दशम स्कंद की प्रारंभ हुआ है तो उसमें श्री सुखदेव गोस्वामी ने थोड़ा सा कुछ बोल के ये भागवत को समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ प्रश्न आता है, जब भी कृष्ण
तत्व कृष्ण लीला को समझने के लिए अभी परीक्षित महाराज बैठे हुए हैं, और फिर भी इसमें शुद्धदेव गोस्वामी बलि महाराज चरित्र, प्रहलाद महाराज चरित्र, चौबीस अवतारों और सारी सारी बातों क्यों श्रवण करा रहे थे? बोले कृष्ण लीला में प्रवेश करना इतना सहज नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहे थे ना, उनको कृष्ण लीला में प्रवेश करने के लिए जो अधिकार प्रदान कराने के लिए पहले उनको अन्य सारी सारी लीलाओं के श्रवण किए थे। तो इसलिए जो प्रमुख रूप में जो दशम स्कंद है उसमें ही भगवान की लीला होने के कारण उनको मुखारविंद कहा गया। बोले एकादश से ललाट पटम, ये एकादश को कहा गया ललाट, तो बोलते कि माथा है, माथा वही एकादश स्कंद कहा गया। जिस प्रकार उसमें क्या है, विशेष रूप में नेमी नवजोगेंद्र संवाद और जितने सारे ज्ञान की चर्चा एकादश स्कंद में है, इस प्रकार मनुष्य की सारी सारी बुद्धि और ज्ञान उनका माध्यम ही होता है। इस प्रकार ये जो एकादश स्कंद में सारी सारी तत्व विचार है, इसलिए उसको एकादश स्कंद जो माथा के साथ शिरोभूत द्वादश है वो हाथ एवं शिव प्रदेश को द्वादश स्कंद के साथ तुलना किया गया। तो इस प्रकार ये भागवतम है, तो भागवत की ये जो स्वरूप भगवान की साक्षात वाग्मय स्वरूप को ही माना गया है। तो भागवत क्या लक्षण है, उसका अंदर क्या क्या चीज है, तो इसमें बताते हैं यत्राधिकृत गायत्री वर्णते धर्म विस्तर पुत्राश्रु व्यतिगतम तद भागवतम इष्यते। यत्राधिकृतम गायत्री, बोले कि जिसमें भागवतम है ये क्या है ना, गायत्री से उनका प्रारंभ हुआ है, सत्यम परम धीमहि। तो ये जो पहला वाला मंगलाचरण में मतलब ये क्या ना गाय जो सत्यम परम धीमहि शब्द से ये क्या करे, तो गायत्री से प्रारंभ किए बोले ये लक्षण है, जो भागवतम है ये गायत्री से ही प्रारंभ होता है। तदेव गायत्री वर्णत धर्म विस्तर, फिर बुद्धाश्रु वेदगत, सबसे बड़े बात क्या है उसमें, ये बुद्धाश्रु की जो वध है ये लीला उसमें वर्णित हुआ है। तो विशेष रूप में भागवत का लक्षण है, इस चीज को बोलने के ही तात्पर्य है कि जो श्री व्यासदेव गोस्वामी के द्वारा रचित भागवतम है उसके बाद भी क्या हुआ, कुछ कुछ लोगों ने जो भागवतम की जैसा ही द्वादश स्कंद बना लिए और अन्य अन्य सारी सारी उनका नामकरण भी अलग दे दिए। तो जो वास्तव भागवतम है उसको जानने के लिए क्या किए ना, ये श्लोक वर्णन आए। तो फिर दूसरा श्लोक में बताते भागवत के लक्षण के बारे में, ग्रंथ अष्टादश सहस्र द्वादश स्कंद समन्वित हय ग्रीव ब्रह्म विद्या जत्र वृत्तवत तथा। तो उसमें बताते हैं कि ग्रंथ अष्टादश सहस्र भागवतम का विशेष लक्षण ये है कि उसमें 18,000 श्लोक है। फिर क्या है ना, द्वादश स्कंद समन्वित अर्थात ये द्वादश स्कंद विशिष्ट है और हयग्रीव ब्रह्म विद्या, हयग्रीव ब्रह्म विद्या किसको कहा गया, लेकिन नारायण कवच, ये नारायण कवच जिसका अंदर है और इस प्रकार ये भागवतों का लक्षण मतलब ये जिसका अंदर है वास्तव में वही क्या है ना भागवत हो सकता है। तो भागवत फिर ये क्या है, उसका प्रयोजनता क्या है, उसको श्रवण करने से होगा क्या, इसको बताते अनर्थ उपशम साक्षात भक्ति योगम अध्यक्षये लोकस्य अजानत विद्या चक्र शाश्वत संहिता दस्याभिश्रयमाणे कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंस शोक महाभयः। बोले कि इसका श्रवण करने से क्या होता है, अनर्थ उपशम, जितने सारे जीव का अंदर अविद्या है, जितने सारी अनर्थ है, ये क्या होता है साक्षात रूप में क्या होता है, भक्ति को प्राप्त करने से यह अपने आप दूर हो जाता है। फिर लोगों से अजात विद्या चक्र शाश्वत संहिता, ये जो शाश्वत संहिता इसमें भागवतम है, इनमें क्या होता है ना जस्या भाई सूर्यमान, ये भागवतम श्रवण करने से क्या होता है ना कृष्ण परम पुरुष है, जो परम पुरुष कृष्ण है उनके प्रति क्या ना भक्ति उत्पत्ति पुंसा, मनुष्य का पुरुष का क्या हो जाता है ना परम पुरुष मतलब भगवान के चरण में अतिमत उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि भागवतम है ये सबका प्रिय नहीं हो सकता है, किस किस का प्रिय होता है, केवल वैष्णव का प्रिय होता है। इसलिए भागवत श्रीमद भागवतम पुराण मतलब जद वैष्णव प्रिय,
बोले जो श्रीमद भागवतम है ये अमर पुराण है और किसका प्रिय है श्रीमद भागवतम का जो जो वैष्णव लोग का ही अत्यंत प्रिय है। बोले कि भागवत इतने सारे महात्मा होने पर भी इसके जो श्रवण का महिमा बता गया बोले कि किससे भी जहाँ कहाँ से श्रवण करने से नहीं होगा किससे श्रवण करना पड़ेगा बोले कि केवल केवल वैष्णव के मुखारविंद से श्रवण करना पड़ेगा ना क्यों ना अगर हम वैष्णव के मुखारविंद से श्रवण करेंगे क्योंकि वास्तव में वैष्णव ही क्या जानते हैं ना भागवत ही महात्मा को जानते हैं। भागवत में जो शरीर शरीर वस्तु हैं उनका उसका ऊपर उनका अनुभूतियाँ हैं तो उसमें ही क्या करते हैं जो वक्ता बोलते तो श्रोता के अंदर वही अनुभूति प्रवेश होता है। मगर जो अवैष्णव होते वो विषय वासना को प्राप्त करने के लिए ये भागवतम को पाठ करने के कारण श्रोता के अंदर भी वही विषय वासना प्रवेश करता है। इसके बाद अवैष्णव मुख हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वोचिष्ट तथा बोले कि जो अवैष्णव मुखार से निर्गत ये हरि कथा ये कैसा है बोले कि सांप के मुख से मुख मुख सांप सर्प उच्छिष्ट पय जैसा मतलब दूध के जैसा इस प्रकार जो दूध होता है वो शरीर को अत्यंत पुष्टि करता है और अगर उसी दूध में किसी जहरीला सर्प के मुख लग जाए तो वो पुष्टि करने की व्यतिरिक्त क्या होता है ना शरीर को नष्ट कर देता है। तो इसलिए जो अवैष्णव है ये क्या विषय वासना को हर समय चिंतन करने के कारण ये भी क्या करते हैं इसी प्रकार ये भागवत के रस को समझ नहीं पाते। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाते के अच्छे से प्यार बताते हैं नहीं चैतन्य भागवत में ये श्री वृंदावन दास ठाकुर बताए बोले कि जेबा भट्टाचार्य चक्रवर्ती मिश्र सब ताहरे न जाने सब ग्रंथ अनुभव शास्त्र पढ़ा या सब एक राज्य करे श्रोतार सहित जम वासी डूबी मरे। इसका मतलब ये है इस जगत में इतने सारे भट्टाचार्य चतुर्वेदी द्विवेदी ये सब क्या करेंगे ना ये भागवतम को अपनी पैसा बना लेंगे मतलब क्या बोलते हैं बिजनेस बना के क्या करेंगे और उसका एक कथा व आलोचना करेंगे इसके कारण क्या होगा बोले खुद तो उनका ग्रंथ के अनुभव नहीं और उनकी जितने सारी श्रद्धा है बोले अकेले को मारेंगे ऐसा बात नहीं हाँ श्रद्धा स्वयं से जमा पास मरे खुद तो मरेंगे मरेंगे और जितने सारी श्रद्धा उनको भी जाके जमाड़े में लेकर मरेंगे। तो इसलिए जो श्रीमद भागवत है केवल केवल वैष्णव मुखारविंद से श्रवण करना चाहिए। इसलिए ये जो भागवतम को श्रवण करने के लिए बोलते हैं अम्बरीश सुखम दत्तम नित्य भागवतम सुनो पठस्व स्वमुखेना जदिच्छसि भवज्ञम्। तो इसलिए बताए कि अम्बरीश सुखम दत्त है अम्बरीश महाराज को बोलते हैं कि ये अम्बरीश महाराज सुखम प्रोक्तम सुखदेव गोस्वामी पाद प्र उत्तम प्र मतलब प्रकृष्ट रूप में उत्तम मतलब कहा गया तो सुखदेव गोस्वामी पाद के द्वारा जो भागवतम कहा गया है उसको क्या करो ना बार बार उसका श्रवण करो जदिच्छसि भवज्ञम्। अगर आप ये भव संसार से पार होना चाहते हो तो क्या करो इसमें तो भागवत का श्रवण और पठन इत्यादि करो। तो इस प्रकार भागवत हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्रवण तुम क्या बोलो काम क्या है एकादशी आज निर्जला हरे कृष्ण ये सुंदर बाबा आर यू अंडरस्टैंड व्हाट ही स्पोक यू टोल्ड व्हाट ग्लोरी ऑफ श्रीमद् भागवत यू ऑल्सो ट्राई लर्निंग ओके दिस इज गौड़ीय कंठा दिस इज गौड़ीय कंठा दिस यू ट्राई टेलिंग ऑल श्लोक ऑफ गौड़ीय कंठा भागवत तो आर नाउ रिपीटिंग कृष्ण तत्व और ब्रेड भागवत यू आर लर्निंग कृष्ण तत्व ओके तुम्हारी कंस कृष्णदत्त भागवत राधा रमण भट राधा रमण भगवद्गीता भागवत श्लोक
अज्ञातविरागस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे हरे श्री भागवत तत्व के विषय में हम कोई श्रवण कर रहे थे प्रभु जी के मुखारविंद से। भागवत को बतलाया है भागवत भाति सर्वेषु लोकेषु येते नारद आदि भी वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु तरणी च भवानवे। भागवत भा प्रथम अक्षर जो है इसके लिए बता रहे हैं भाति सर्वेषु लोकेषु। ये ग्रंथ कैसा है बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्वयं सब लोकों में ही विद्यमान है, अर्थात ये हरि कथा, ये भगवान की कथा, ये भगवान का यशगान। भा प्रकाश गुणोति तत्वम, अभी श्रवण कर रहे थे हम किस प्रकार जब कृष्ण इस धरा धाम को छोड़कर और निज धाम को चले गए तो उनके साथ साथ क्या हुआ, धर्म ज्ञान आदि भी सह, स्वयं तो गए ही गए उनके साथ साथ में धर्म भी उनके साथ साथ चला गया। तो कलयुग रूपी रात्रि के आगमन से क्या हुआ, न शास्त्रों का जो सारा धर्म था वो सारा चोरी हो गया, वो सारा उसकी हानि होने लगी। तो उस समय पर कृष्ण स्वधामों को कहते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलो नष्ट दृशामेश पुराणार्थ को अधनोदित। श्रीमद् भागवतम ने उस समय पर उदित होकर एक सूर्य की भांति उदित होकर और ये अधर्म रूपी चोर को मानो वहां से ताड़ दिया और भगा दिया। इसलिए कह रहे हैं भा प्रकाश गुणोदित तत्वम, ये भागवत ग्रंथ कैसा है, ये सभी लोगों को प्रकाशित करता हुआ होकर विद्यमान है। उसके बाद में ये थे नारद आदि भी कि ये ग्रंथ इतना सर्वश्रेष्ठ है कि नारद सुखदेव परीक्षित और शिवजी इत्यादि सब महाभागवत गण भी इस ग्रंथ का गान करते हैं। अम्बरीश प्रोक्तम नित्यम भागवत सुनु पटस्व मुखेना भी यदि इच्छसी भवक्षय। इस श्लोक के अंदर वर्णन कर रहे हैं कि ये सुखदेव गोस्वामी जो कौन थे, ब्रह्म पूर्ण रूप से ब्रह्म में प्रतिष्ठित थे लेकिन ऐसे आत्माराम आप्तकाम ब्रह्म में प्रतिष्ठित मुक्त महापुरुष भी इस ग्रंथ का गान करते हैं, इतना सर्वश्रेष्ठ है। जब श्री भक्ति देवी अपने ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्रों को लेकर नारद जी के पास में आई थी तो उस समय पर हमने श्रवण किया इस प्रकार चतुसन ने भी इसी ग्रंथ का ही गान किया और यदि चतुसन श्री नारद जी के सामने इस कथा का वर्णन कर रहे थे, यदि वो चार भाई हैं, यदि उनके सामने कोई श्रोता हो तो ठीक है, नहीं तो एक भाई को बन जाता है वक्ता और बाकी तीन श्रोता होकर इस कथा का नित्य ही श्रवण और कीर्तन करते हैं। नारद जी उन्होंने भी इस कथा को गान किया है, शिव जी वे स्वयं भी माता पार्वती को इस हरि कथा को श्रवण करवाते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि ये थे नारद आदि भी केवल मात्र मुक्त महापुरुष ही इसका गान करेंगे ऐसा नहीं है, ये ग्रंथ के श्रवण कीर्तन से बद्ध जीवों का उद्धार विशेष रूप में होगा, इसलिए किए थे नारद आदि भी। और उसके बाद में बता रहे हैं वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु, ये ग्रंथ सभी शास्त्रों में सभी ग्रंथों में से ये श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ है। क्यों, क्योंकि इस ग्रंथ की सर्वश्रेष्ठता तो इसी से ही पता लग जाती है कि इस ग्रंथ के रचयिता श्री वेदव्यास जी, इन्होंने जब पहले सारे ग्रंथों की रचना कर दी, हम श्रवण कर रहे थे इस प्रकार सारे वेदों को विभाजन किया, पुराण इत्यादि रचना करी, उपनिषद, किंतु ये सब करने पर भी उनको हृदय में शांति नहीं मिली। जब शांति नहीं मिली तो उन्होंने अंतिम में श्रीमद् भागवतम की रचना करी। इस ग्रंथ का रचने करने मात्र से ही उनको शांति प्राप्त हुई, इसलिए ग्रंथ सबसे सर्वश्रेष्ठ है वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु। जब चतुसन सब नारद जी ज्ञान वैराग्य की वो चेतनता प्रदान करने के लिए उन्होंने भी जब कई कई गीता पुराण वेद इत्यादि सब गान किया तब पर भी ज्ञान वैराग्य को चेतनता प्राप्त नहीं हुई। अंत में जब उन्होंने चतुसन के मुखारविंद से श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया तभी जाकर उनको चेतनता प्राप्त हुई, इसलिए ग्रंथ सबसे सर्वश्रेष्ठ है वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु। और यहाँ पर बता रहे हैं कि ग्रंथ कैसा है, ना अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थ विनिर्णयः गायत्री भाष्य रूपो असौ वेदार्थ प्रहिर्भूतम्। ये ग्रंथ सभी वेदों का अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां, ब्रह्मसूत्र का सार स्वरूप इस ग्रंथ के अंदर विराजमान है और गायत्री भाष्य रूपो असौ, गायत्री का भाष्य यही है, इसलिए कह रहे हैं सर्व वेदांत सारं ही श्रीमद् भागवतम इष्यते।
तत्र सामनतस्य तृप्तस्य नान्यत्र स्यादिति क्वचित्। कि सभी वेदों का सार स्वरूप बतलाया श्रीमद् भागवतम। सभी वेदों का जैसे श्रवण कर रहे थे ना, भी किस प्रकार वेदों को बतलाया है कल्प वृक्ष। वेद कल्प वृक्ष है, लेकिन वृक्ष का सार क्या है? वृक्ष का सार है उसका फल। तो इसीलिए सभी वेदों का सार स्वरूप ये श्रीमद् भागवतम है। ये एक परिपक्व फल के समान है जिसका निरंतर पान करने के लिए कैर्मूर हो रसिका को भी भाव का विमत भागवतम विमत अर्थात ऑर्डर दे रहे हैं कि इसका पान करो, इसका निरंतर पान करो। विमत भागवतम रसमालय मुहूर हो रसिका को भी भाव का। ये ग्रंथ इतना सर्वश्रेष्ठ है वरिष्ठ सर्व शास्त्रेषु, इतना श्रेष्ठ ये ग्रंथ है। और इस ग्रंथ की सर्वश्रेष्ठता किस प्रकार प्रमाणित होती है? ना धर्म प्रोचित कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोर्मूलनम्। श्रीमद्भागवतम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किम्वा परेश्वर सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभि तक्षणात्। कि धर्म अर्थ काम ये जो और मोक्ष, ये जो चार पुरुषार्थ सभी शास्त्रों में मुख्य रूप में वर्णन करे गए हैं, बताया ये सारे कैतव है। धर्म अर्थ काम ये तो इस जड़ शरीर से संबंधित है, तो इसलिए तो इसको कैतव बतलाया ही। लेकिन कह रहे हैं मुक्ति जो मोक्ष, जिसके लिए ज्ञानी बहुत ही प्रचेष्टा करते हैं, वो भी तार मध्य मोक्षवांछा कैतव प्रधान। कि ये मुक्ति सबसे बड़ी कपटता है, तो इस कपटता को पूर्ण रूप से श्रीमद् भागवतम से हटा दिया गया है। धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां। और इस जिस धर्म का श्रीमद् भागवतम ग्रंथ के अंदर वर्णन किया है वह कैसा है? कहते हैं वह धर्म एकमात्र परम निर्मत्सर साधुओं के लिए याचन करने वाला है। और वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोर्मूलनम्। कि ये ही एकमात्र ग्रंथ है जिसके अंदर वास्तव वस्तु अर्थात भगवान कृष्ण के विषय में वर्णन किया गया है। इस श्लोक के अंदर तीन बार अत्र का प्रयोग किया गया है, अर्थात किसी चीज को जैसे प्रमाणित करना हो तो तीन बार बोले ना, जैसे बताया ना हरिनाम 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 एव केवलम। तो वर्णन कर रहे हैं कि अत्र 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 अर्थात ये ग्रंथ इतना सर्वश्रेष्ठ है। सद्यो रीति अवरुद्धते अत्र, कि यदि इस ग्रंथ की श्रवण करने की किसी की इच्छा मात्र भी हो जाए तो इच्छा मात्र से ही भगवान के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। और कैसे? कहते हैं कि भगवान स्वयं हृदय में आकर विराजमान होते हैं। और उस जैसे किसी घर में किसी रूम के अंदर कोई व्यक्ति प्रवेश करे और दरवाजा अंदर से बंद कर ले, उसी प्रकार भगवान हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। और वहीं से वहां से और कहीं जाते नहीं, अन्यत्र जाते नहीं। किससे? कहते हैं केवल मात्र इसका श्रवण करने की इच्छा से। लेकिन यदि कोई पूर्ण रूप में श्रवण करे तो उसकी क्या ही महिमा होगी, उसकी क्या ही महिमा होगी, ये बता रहे हैं। इसलिए वरिष्ठ सर्व शास्त्रेषु बाद में बताते हैं तर्णीच भवानवे। ये ग्रंथ कैसा है? बोले इस भव सागर को पार करने के लिए एकमात्र यदि कुछ सुदृढ़ नौका है तो ये श्रीमद् भागवतम है। कह रहे हैं तमादि देवम करुणा निदानम तमाल वर्णम सुहितावतारम अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भागवतम स्वरूपम। कि इस भव सागर को पार करने के लिए एक सेतु सदृश है ये सागर। ये भव सागर ऐसा है जिसका कोई ओर छोर नहीं है और इसको पार करना बड़ा ही कठिन है। लेकिन यदि कोई श्रीमद् भागवतम का आश्रय ले ले तो उसके आश्रय से अनायास ही इस भव सागर को पार कर लेगा। लेकिन इतना ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ होने पर भी सबको इसको समझ पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। कहते हैं श्री शंकर जी वेदव्यास जी स्वयं कह रहे हैं कि शंकर जी कह रहे हैं कि अहम वेद्मी शुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न च बुद्ध्या न च जिज्ञासा। कहते हैं कि यदि कोई अपने पांडित्य के द्वारा अपने ज्ञान के द्वारा इस ग्रंथ को समझने की कोशिश करे तो वह समझ ही लेगा इस ये कोई ठीक नहीं है। शंकर जी स्वयं कह रहे हैं कि इस ग्रंथ को अहम वेद्मी मैं जानता हूँ, शुकदेव जानते हैं, व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा व्यासदेव जानते कि नहीं जानते इसमें संशय है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि व्यासदेव जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना करी वे स्वयं भी जानते कि नहीं जानते इसमें संशय है, ऐसा क्यों कहा? तो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि व्यासदेव कौन है भगवान के शक्तावेश अवतार। तो यदि भगवान स्वयं अवतार लेके और इस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं तो भगवान तो स्वयं अपने तत्व को जानते नहीं, इसलिए कह रहे हैं व्यक्ति ना व्यक्ति वा। किंतु यदि कोई योग्य जीव इस कार्य को व्यासदेव का कार्य करता है तो उस समय पर भक्त भाव से ही एकमात्र इस ग्रंथ को पूर्ण रूप में समझा जा सकता है।
इसलिए बताया जहाँ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे चैतन्य भक्ते तुम्हें नित्य कर संग तभी तो मुझे भी तुम्हें सिद्धांत करंग। भागवत को श्रवण करने का मार्ग श्रवण करने का जो जो प्रोसेस है जो तरीका है वह बतलाते हुए कहते हैं कि जहाँ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने कि एकमात्र श्री चैतन्य महाप्रभु की धारा में आए हुए वैष्णवों के अनुगत में यदि कोई श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेगा तो इसके अर्थ को ठीक ठीक रूप में श्रवण समझ पाएगा, नहीं तो क्या होगा सर्पोच्चिष्ट यथापय। जैसे श्रवण कर रहे थे कि अवैष्णवों के मुखारविंद से हरिकथा वही है, समुद्र मंथन से अमृत भी निकला और विष भी निकला, उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम के अंदर यदि कोई स्वयं पढ़ने की चेष्टा करे या किसी अवैष्णव के मुख से श्रवण करे तो विष का कार्य करेगा, लेकिन यदि कोई सद वैष्णव परंपरा में आकर इसको श्रवण कीर्तन करे तो उसी से ही पूर्ण रूप में लाभान्वित होगा। तो ये श्रीमद् भागवतम तत्व यही बोल के मैं वाणी को विराम देता हूँ। चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 सर्वतम हरि गुरुपाद पद्म चित्रलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सदस्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म चित्रलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सदस्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को हम लोग श्रवण कर रहे थे, किसने इसलिए प्रभुपाद से प्रश्न किया भगवान हमें ये जो मानव शरीर दिया है ये मानव शरीर पा करके हमारी सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य किया है। जितने जगत में बहुत सारे कर्तव्य है, पिता माता की सेवा करना भी कर्तव्य है, अपना बीवी बच्चों का पालन करना भी कर्तव्य है, अपना घर गृहस्थी संभालने का भी कर्तव्य है, संसार में बहुत सारे कर्तव्य है। फिर तो देवताओं का ऋण भी चुकाना कर्तव्य है, ऋषियों का ऋण चुकाना भी कर्तव्य है, और जितने परिवारों का ऋण चुकाना भी कर्तव्य है, पिता माता भाई बंधु इनका भी ऋण चुकाना कर्तव्य है, बहुत बहुत कर्तव्य है। लेकिन प्रभुपाद को पूछा है लेकिन ये सारे कर्तव्य में जीव का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य क्या है, ऐसे कौन सा कर्तव्य पालना करे जो उसकी सारी कर्तव्य उसको चुकाना हो जाएगा। इसलिए कल हम थोड़ी बहुत सुने थे, उसको बाद में प्रभुपाद और क्या कहते हैं इसको सुनाएंगे। कहते हमारे जे कौन जन्म होना कहना विषय लाभ प्रत्येक जन्म हवे मानुष ना हो विषय सब जन्म ही पावा जावे। यहाँ पर कह रहे हैं हमारे जे कौन जन्म होना कहना किसी ना किसी जन्म हमें क्यों नहीं मिले, यदि जो संसार का जो कर्तव्य है इसमें क्या होगा हर जीवन में सब चीज मिलेगा। जैसे जानवर जीवन में देखो तो उनका भी बीवी बच्चे उनका भी परिवार है, कहते हर जीवन में तुमको यही केवल जन्म तुम्हारे लिए कहते हर जीवन में तुम्हारे लिए मिलेगा ही, लेकिन मानुष जन्म ना हो ले वो सब जन्म ही पावा जाए। कहते अगर ये मानव शरीर अगर नहीं मिलता है अगर कोई और भी कोई जीवन अगर मिल जाएगा तो उसी जीवन में भी कितने जो संसार
संसार का जो कर्तव्य है उसी से मान लो वो कर्तव्य तुम भी करते रहो। बीवी होगा उसको भी पालोगे, बच्चे होगा उसको भी पालोगे और संसार का सारे कर्तव्य तो करते रहोगे, लेकिन मनुष्य जन्म में श्रेय और अनुसंधान ही कर्तव्य। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं ये मानव शरीर प्राप्त करके प्रयोग नहीं, प्रयोग मतलब जो थोड़ी समय के लिए जो जो श्रेष्ठ रूप में दर्शन मिलता है, थोड़ी समय के लिए जो कर्तव्य को हम कर्तव्य मानते हैं, लेकिन इस बारे में बाद में वो दुख का कारण है। कहते हैं जो दुख का कारण, लेकिन मनुष्य जन्म पा करके किस चीज को हमें अनुसंधान करनी चाहिए, श्रेय। श्रेय मतलब जो आनंद जो प्राप्त करने पर कभी वो कभी नष्ट नहीं होता है। कहते वो क्या है, केवल भगवत भजन ही ये जीवन में एक ही कर्तव्य है। हर जीवन में हम ये दुनिया की सारे कर्तव्यों को पालन करते करता है सारे कर्तव्य। इसलिए वैष्णव लोग कहते हैं किसी जीवन में जैसे दो चार बच्चे हो गए उसको लालन पालन करेंगे, आप अगले जीवन में सुअर बनो, एक साथ में किसी जीवन में तीन चार बच्चों को पालन किया उस समय तो एक साथ में 20-25 बच्चों को पालन करो, जब उस बच्चों को पालन करते रहो हैं, इसलिए भगवान कहते हैं हम उसी जीवन में रहते गए। इसलिए कहते हैं प्रेयर अनुसंधान पशुत करे, जो संसार के लिए सुख है थोड़ी समय के लिए जो सुख है कहते भैया जानवर भी करते हैं, जानवर जीवन भी ये सब काम कर रहे हैं सब के सब, ये कोई बड़ी भाई हमने तीर नहीं मार दिया है, शादी करके दो चार बच्चे जन्म दे करके हमने बहुत बड़ी कोई तीर नहीं मार दी, अपने जानवर भी इस काम को करते हैं। मनुष्य जाति विशेषत्व हमारा कान किए सुनते सुनते पारी एवं श्रुत विषय आलोचना करते पारे। कहते भगवान हमें जो मानव जन्म दिया है लेकिन इसका क्या विशेषत्व है, इसका विशेषत्व यह है हर चीज को हम कान देकर सुन सकते हैं, फिर कोई जानवर है ना सुनने पर भी लेकिन वो श्रेय वस्तु का अनुसंधान नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं हर चीज को कान में हम सुन करके क्या कर सकते हैं पारे को शुद्ध विषय आलोचना करते पारे, मतलब जो चीज को हम सुनते हैं सुन करके उसमें लाभ क्या है उसमें नुकसान क्या है, ये करने से क्या होगा ये नहीं करने से क्या होगा, केवल एक इंसान ही है ऐसे एक जीव जो सुन करके अच्छा बुरा को विचार कर सकता है, लेकिन इसके सिवाय और कोई भी किसी जीवन में भी अच्छा बुरा का विचार नहीं कर सकते हैं। किंतु पशुधर परस्पर आलोचना क्षमता नाई, जैसे हम यहाँ पर बैठे बैठे भगवत कथा भगवत विचार शास्त्र तत्वों को हम विवेचना कर सकते हैं, सुने हो जानवर भी बैठ करके ये हरी कथा आपस में चर्चा कर रहे हैं, भगवान की कथा को ये कोई विवेचना कर रहे हैं कि क्या कभी सुनने को मिलता है क्या, किसी नहीं मिलता है। इसलिए भागवत में क्या बोला सुमीर बरा कष्ट हरे संस्कृत पुरुष पशु न जत कर्ण पथ भेद जाति नाम प्रकार, मतलब जीवन पा करेंगे जिन लोगों ने यदि इन्हीं कानों में भगवत कथा नहीं सुने वह भगवत भजन नहीं करे वो कौन है, सुअर भी पृष्ठा बुद्धि सुअर है हैं बरा बरा सुपीठ बरा पुष्ट्र कहते एक ऊंट है जो मरुभूमि में रहने वाले जो कांटा खाने वाले वो ऊंट है, खरी खरे मतलब गधा और एक कुत्ता है जिनको ये मानव शरीर मिला, लेकिन मिलने के बावजूद भी जो भगवान की कथा नहीं सुने भजन नहीं करे उनको गाली देता है। कहते संस्कृत पुरुष पशु मतलब क्या है, कहते सुअर को अंदर में वो सुअर का ही गुण मिलेगा लेकिन कुत्ते का गुण नहीं मिलेगा, लेकिन कुत्ते में गधे का गुण नहीं मिलेगा, गधे में ऊंट का गुण नहीं मिलेगा, वो उनको एक एक गुण उनका अंदर मिलेगा, लेकिन कहते मानव शरीर पा करके जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं इसको अंदर में ऊंट गधा सुअर कुत्ते का संपर्क नहीं करते, संस्तुत संस्तुत मतलब सम्यक रूप में स्तुति कर रहे हैं हैं, कहते भैया हमारे अंदर में सारे गुण हैं, हमारे अंदर में एक एक गुण है किंतु
जाते श्रेय लाभ है तहा लाभ करते बाल्य मनुष्य जन्मे यदि जीवन में जो श्रेय वस्तु मतलब चिरकाल के लिए जिस वस्तु को पाने पर चिरकाल के लिए वो आनंद को अनुभूति कर सकते हैं जो नष्ट कभी नहीं होगा यदि तहा लाभ करते बाल्य मनुष्य जन्म सार्थकता अगर ये मानव शरीर पा करके अगर हमने श्रेय वस्तु को प्राप्त कर दिया तो प्रभुपाद करें जन्म साफल्यम देही नाम यह देही सुखम प्राणे अर्थे यह वाचा इसको भी कह रहे हैं जन्म साफल्यम मतलब ये मानव शरीर पाने से पहले हमें 84 के जन्म होना पड़ा बढ़ना पड़ा लेकिन ये सारे जीवन सार्थकता कैसे हो जाएगा बोले अभी तक जितने जन्म तुम्हारी गई है समस्त जन्म तुम्हारी सार्थकता हो जाएगा अगर ये मानव शरीर पा करके श्रेय आचरण अगर जीवन में अपने भगवान भजन कर लिया जीवन में प्रभु की भक्ति कर दिया अभी तक प्राण अर्थ ही दिया है प्राण अर्थ और हृदय के साथ से किया तो तुम्हारी जीवन बस जीवन तुम्हारी सारी जीवन तुम्हारी धन्य हो गया इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भैया ये जीवन को पा करके यहाँ पर कहते हैं कभी विलंब ना करे क्षण मात्र विलंब ना करे चर्म कल्याण लाकर जन जत्न करवे प्रभुपाद के भैया थोड़ी समय भी विलंब नहीं करते हुए नष्ट नहीं करते हुए लग जाओ भगवान भक्ति में लग जाओ इधर उधर में नजर मत डाला इधर उधर में नजर को नहीं डालकर पास एक लक्ष्य करके शरीर शरीर पतन की बात साथ ले शरीर पतन है भले ही ये शरीर नष्ट हो जाए लेकिन हम क्या करेंगे इस जीवन में भगवत प्राप्त करके लिया तो समझो हमारे जीवन समस्त सार्थक सारे जीवन हमारे सार्थक हो गया इसलिए जाते जाते आत्म मंगल है तब संबंध चिंता ना कर ले साधारण निम्न सज्जन्य विचार भैया जाए अगर ये जीवन पा करके वास्तव रूप में हमारी आत्मा का कल्याण किया है इसको कौन सोच सकता है कभी कभी इंसान ही सोच सकता है वास्तव रूप में हमारा कल्याण किया और वही विषय पर कोई सोच नहीं सकते हैं इसलिए तत्संबंध चिंता ना कर ले अगर ये जीवन पा करके इस विषय पर हमने चिंता नहीं करते हैं कहते हैं हमारे विवेक विचार भय जाए कहते निम्न श्रेणी न्याय विचार हो जाए मतलब क्या अगर जीवन पागत नहीं किया अपने जानवर धर्मेश्वर जैसे पेड़ पौधा जैसे ऐसे जीवन तुम्हारे हो गया और क्या तुमने इतना कीमत चीज मिला क्या चंदन की बाग भगवान ने दे दिया आपने क्या किया उसको काट करके जला करके कोयला दर उसको बेच दिया है उसको हमने कोयला दर में उसको बेच दिया इसलिए भैया चंदन बाग को कोयला दर में मत बचा करो जीवन को पागत क्या करो बस श्रेय आचरण श्रद्धा है जो चिरस्थाई जो कल्याण भगवत प्रेम को जीवन में प्राप्त करनी चाहिए कहते किंतु हमारे विवेक अच्छे कहते हम लोग को भगवान ने विवेक दिया और किसी को ठाकुर विवेक नहीं दिया इसलिए देव जन्म भले हो भोगे उन्मत्त हो पड़वे सद अपने विचार चापा पड़वे कहते भैया ये मानव शरीर में जो चीज प्राप्त कर सकते हो अगर देव जन्म भी प्राप्त होगा तो क्या होगा देव जीवन में भी क्या है देवतलों के भोग में डूब जाते हैं वो भोग में डूब जाते हैं भोग में डूब जाते हैं जब साध और असत जो विचार है उसमें चापा पड़ जाता है चापा समझते क्या दब जाता है वो विचार नहीं कर पाता है एकाने प्राकृत सुख दुख उभय पावा जाए किंतु देव जन्म में प्राकृत सुख वैसी लेकिन संसार में क्या है प्राकृतिक जगत में सुख भी और दुख दोनों ही यहाँ पर है लेकिन किंतु देवजन में है कच्चे देवजन में क्या है कर जो प्राकृतिक जो सुख है श्री संसार का सुख थोड़ी सी वहां पर ज्यादा है यहाँ पर ज्यादा है इसलिए प्राकृतिक बोले सही सुख हो नित्यस्थाई न है मतलब अगर कोई देवजन में प्राप्त कर गया ये प्राकृतिक सुख ज्यादा है लेकिन सब समय के लिए भोग नहीं कर सकते हो बोले खेल तुमने भक्त लगभग
निंदा खत्म होते ही फिर इस जीवन में फिर संसार में तो आना पड़ जाएगा। इसलिए क्या करो, मनुष्य जीवन अनेक कार्य पड़ेंगे छे उसको ध्यान दे दो। जब भगवान हमें जो मानव शरीर दिया है ना, हम कहते हैं अनेक कार्य पड़ेंगे छे, हमको ये करना, हमें ये करना, हमें ये करना, हमारे ये कर्तव्य, हमें ये कर्तव्य, कितने काम पड़ेंगे सर पुस्तक से, तो कितने सारे काम हम सोचते हैं हमको ये करना। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं प्रभु सजे जी कर्म प्रभु मालिक हो गया, हमको ये करना करना, प्रभु सज गए, प्रभु सज गए तुमने है कार्य करता वाले मुझे अभिमान करने वाला मैं हूँ, अगर मैं नहीं करूँगा संसार काम कौन करेगा, बाकी नहीं रह जाएगा, ये काम बाकी रह जाएगा, ये काम बाकी रह जाएगा, हमारे ये काम बाकी रह जाएगा, बोलते हैं ना अरे हम प्रभु, हमें प्रभु बन गया, अभी हम करेंगे तभी तो होगा। भगवान रे सेवा बंशी को है अपर रे सेवा ग्रहण कर छी, यहाँ पर कह रहे हैं हम कर्तव्य समझते हैं अपनी, ये कर्तव्य, ये कर्तव्य, कोई कर्तव्य उपाय नहीं है, केवल एक ही कर्तव्य नहीं करने का नाते ये सारे कर्तव्य में फंसे हुए, बस एक जीवन में एक कर्तव्य कर लो क्या ठाकुर की सेवा कर, बस भगवान की सेवा कर लो सारे कर्तव्य तुम्हारे खत्म हो जाएगा। अगर भगवान की सेवा के बगैर ये कर्तव्य कर्तव्य घूस जाओगे ना भैया सारे चूल्हे में सत्य साहब चूल्हे में चले जाएगा, ये कर्तव्य तुम्हारे कोई काम में नहीं आने वाला। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, इसलिए क्या करते हैं उसको करते हैं, इसलिए विभिन्न वस्तु प्रार्थी हुए विभिन्न देवा देवी सेवा कर छी, फिर क्या हो गया, फिर उसके बाद में सब मालिक बन गया, मालिक ही बनकर फिर क्या करते हैं, तरह तरह हमें संसार चाहिए, दुनिया चाहिए, घर मकान चाहिए, तो चाहिए के लिए तुम क्या करना पड़ेगा, फिर विभिन्न वस्तु प्राप्ति हुए तरह तरह का वस्तु को प्राप्त करने के लिए फिर अलग अलग देवा देवी को पूजा करना शुरू कर देते हैं, अलग अलग देवा देवी को, देवा किसको धर्म के लिए सूर्य को उपासना करते हैं, अर्थ के लिए गणेश का कामना करते हैं, शक्ति के लिए और मोक्ष के लिए सीता के लिए उपासना करते हैं, यह वस्तु तो पूजा नहीं, पूज्य के अमर वस्तु सर्वराव परवार सेवक कर कहते ये पूजा पूजा कुछ नहीं है, हम जो अलग अलग वस्तुओं पाने के लिए इसको 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 पूजा कर रहे हैं ना, ये कहते पूजा पूजा कुछ नहीं है, कहते पूजा पूजा कुछ नहीं, जो बेकार सबके सब क्या है, उसको नौकर बनाना चाह रहे हैं देवा देवी को, जब हमको घर चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, मतलब क्या है तुम हमारे घर में आपके साथ नौकर बनकर जाओ, कहते इसको पूजा नहीं करते, इसको पूजा नहीं करते, इसलिए देवा देवी पूजा करके कहते तुम्हारे कोई भी लाभ न दे, नहीं तो अपना नौकर बनाना चाह रहे हो, आकर के हमारे घर में दुकान मकान सब कैसे बना दो, ये कभी सब पूजा पूजा तुम्हारे कुछ ये नहीं, सब भगवत ला दो पैसा, ठीक है बाकी।